नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों। दिल्ली में तूल पकड़ रहा स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी का मामला। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के आवास के पास किया विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने चुप्पी तोड़ी। संजय सिंह ने घटना को बताया निंदनीय, कहा हम सब स्वाति मालीवाल के साथ। लोकसभा चुनाव के बीच जमाते इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी का बड़ा बयान, बोले अगर केंद्र ने प्रतिबंध हटाया तो लड़ेंगे आगामी विधानसभा चुनाव। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास करता है संगठन। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सत्ता में रहने के लिए देश को बांट रहे पीएम मोदी, बोले राष्ट्र के लिए विनाशकारी साबित होगी धर्म आधारित राजनीति। लोगों से कहा देश को बचाने और बेहतर भविष्य के लिए हमें मिलकर करना होगा काम। महबूबा मुफ्ती ने की दक्षिण कश्मीर से उमर अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाने की आलोचना, बोली मध्य कश्मीर से उम्मीदवार खड़ा करके दक्षिण कश्मीर की पहचान को मिटाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। डोगरी लोक गायक पद्मश्री रुमालो राम को किया गया सम्मानित। जम्मू के कला जगत से जुड़े लोगों ने अभिनंदन के लिए आयोजित किया समारोह। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से अभद्रता के मामले में भाजपा भी मैदान में उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के साथ अभद्रता और बदसलूकी हो सकती है तो दिल्ली की महिलाओं को इस निकम्मी सरकार से क्या उम्मीद है। शाजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए पूछा कि अभी तक इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने क्यों अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और क्या विभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के इशारों पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और क्या इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विभव कुमार पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब सवाल और भी हैं, क्या ऐसे कुछ आपसी रिश्तों में दरार आई है जिसके वजह से ये हो रहा है? अरविंद केजरीवाल देश की जनता को बताएं कि 13 मई को सीएम हाउस में जो बदनाम घटना हुई है उसका काला सच क्या है? पिछले 48 घंटे से महिलाएं अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रही हैं और सभी सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम हाउस में आखिरकार एक महिला के साथ मार पिटाई कैसी हुई। यह अलग बात है कि वो मौजूदा तौर में सांसद हैं और उनकी पुरानी सहयोगी हैं और करीबी हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल सुल्तान साहब चुप्पी क्यों साधे हैं? अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार पर क्या कार्रवाई की है? क्या विभव कुमार ने केजरीवाल जी के कहने पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इसलिए केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं? क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है? अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? स्वाति मालीवाल से बदसुलूकी मामले को लेकर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। लाजमी है कि चुनावों के मौसम में अगर इस तरह का मुद्दा मिल जाए तो कोई भला इस पर क्यों सियासत ना करे। बात बात पर भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर आरोप मढ़ने वाला विपक्ष और खासकर आम आदमी पार्टी की इस मुद्दे पर चुप्पी भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। हालांकि हर मुद्दे पर बिना समय गवाए मोर्चा संभालने वाली आम आदमी पार्टी ने इस निंदनीय घटना के कई घंटों बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से हुई बदसुलूकी की पुष्टि करते हुए माना कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने अभद्रता और बदतमीजी की।
संजय सिंह ने कहा कि इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और मामले में सख्त कार्यवाही की जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने देश और समाज के हित में कई काम किए हैं और वे पार्टी की सीनियर और पुरानी नेता हैं और हम सब उनके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं, पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं, हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी ने लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ा बयान दिया है। कादिर वानी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से उन पर से बैन हटा दिया जाता है तो उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गुलाम कादिर ने कहा, हम केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना प्रतिबंध हटाना चाहते हैं और समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर जमात ए इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष गुलाम कादिर वानी ने कहा कि अगर उन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया जाता है तो हम चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करता है और पहले भी चुनावों में हिस्सा ले चुका है। आपको बता दें कि गुलाम कादिर वानी ने सोमवार को लोकसभा चुनावों के चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए मतदान के दौरान अपना वोट डाला था। बलबूते पर खड़ा है और हम मरकज के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बैन हटवाना चाहते हैं और अपना रोल प्ले कराना चाहते हैं समाज में। ज़रूर करें, क्यों नहीं करें, जब जमहूरी अमल पर हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, उस पर होगा, हिस्सा लेना ही पड़ेगा जैसे पहले लेते थे हम हिस्सा। अभी जो आपने ये बताया था कि एक थ्रेट आ गया है, किसी लेटर हेड को लिया गया है, उस पर लिखा गया है कि जमात का ये जो ये खेल है, ये वोट डालना वगैरह, ये इसका कोई किसी बुनियाद नहीं है, इसका शूरा की सैंक्शन नहीं है, मरकजी शूरा की सैंक्शन नहीं है। तो इसीलिए हमने बुलाई कि ये सब झूठ पर मबनी है, हमारे साथ शूरा है, हम डट के जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके बगैर किसी माशरे में कोई दूसरा हाथ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए देश को बांट रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के शांगस इलाके में बुधवार को एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें एक साथ रहना होगा, हमें देश को बचाना है और हमें बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी कुर्सी के लिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कुर्सी हमेशा नहीं रहती, राष्ट्र ही रहता है। वह जैसा राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह विनाशकारी साबित होगा। یہ فرام تہ ونان یہ نمرود تہ ونان
पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दक्षिण कश्मीर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने दमहाल हांजीपुरा में एक रोड शो किया और लोगों से पीडीपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा दक्षिण कश्मीर से किसी को भी लोगों की नुमाइंदगी के काबिल नहीं समझा। महबूबा मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर से उमर अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए कहा कि इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मध्य कश्मीर से उम्मीदवार खड़ा करके दक्षिण कश्मीर की पहचान को मिटाना चाहते हैं। बस इस गाड़ी में सोचन कि ये साउथ कश्मीर इस मुफ्ती से मैं ताज बनाया ये मजोस ना आख इंसान के आख लायक उस पार्लियामेंट में गए मैं मनो तो ये आख चीज ये जे पलगाम में अनंत नाग डिस्ट्रिक्ट में बची में राजौरी में पुंछ में ये जो सब कहीं आख लायक कि ये मोहम्मद सेंट्रल कश्मीर पे टूर कर दिए उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की यह गुजारिश कर ये कोत अफसोस ये देख रोज में साउथ कश्मीर जबजी अला सारी को ज्यादा ईमानदार कसिम साहब तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ये मो ये तो नाम रोशन को ये के लुकन सुबान वाले ये तो कहते कि वाशा ये तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब चला मन मैं शिदाबान मैं वो मुफ्ती साउथ कश्मीर मगर ये शिनाख चिम खत्म ये सांग कर रही आज इस मेंबर पार्लियामेंट इसे सरकार बनाऊं इसे न वजीर आला बनाऊं इसे मेंबर पार्लियामेंट बनाऊं ये चीज ऐसा नहीं हो रही है। जीत हमारे जीत हमारे चलिए मुफ्ती चलिए मुफ्ती। पद्मश्री पुरस्कार विजेता और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध डोगरी लोक गायक रुमालो राम के लिए आज जम्मू में सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। पद्मश्री रुमालो राम के अभिनंदन के लिए आयोजित किए गए समारोह में जम्मू के कला जगत से जुड़े लोगों ने डोगरी लोक गायक रुमालो राम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का स्वागत किया और डोगरा लोक कला को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए पद्मश्री रुमालो राम का अभिनंदन किया। इस अवसर पर पद्मश्री रुमालो राम की बेटी और डोगरा लोक कलाकार सरस भारती और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में कला जगत से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नाना आउंदा निके बड़े सारे दा मान रखिया डुगर दे लोक कलाकार दा मान रखिया डुगर दे लोक कलाकार दा मान रखिया तुसे डुगर दे कला ते डुगर दे लोक कला दा कलाकार दा मान रखिया परमात्मा तुंदा सारे दा मान रखे साड़ी सरकार दा साड़ी एलजी सरकार दा ते आऊं अपने जिले दी गल करा ते साड़ी जिला एडमिनिस्ट्रेशन का भी मता आशीर्वाद भरिया हाथ है ते बाकी सारी कसर जेड़ी तुस मिली उड़दे हो मेरे बचपन कोला लेइयै हून तक तुंदा जेड़ा साथ रहा इसकी आऊं बयान नहीं करी सकदा इसकी हर तरीके कन्नै सुनाई नहीं सकदा पर महसूस इन्ना कराना कि जिन्ना शायद आऊं सुनाई नहीं सकदा हूं। लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने सहित अन्य मांगों को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने अपनी मांगों को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने लाइब्रेरी को 24 घंटे खोलने, सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने, जम्मू यूनिवर्सिटी के ओल्ड कैंपस तक के लिए परिवहन सुविधा देने और छात्रावास की क्षमता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने की जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन से मांग की। हमारा ये विद्यार्थियों का लगातार पिछले दिन से प्रदर्शन, हमारे साथियों ने प्रदर्शन स्टार्ट किया जम्मू विश्वविद्यालय के खिलाफ और ये मजबूर होकर हमें प्रदर्शन करना पड़ा। इसका मुख्य कारण है जो 24 घंटे लाइब्रेरी नहीं खोली जा रही। पिछले 3-4 साल से ऐसी क्या स्थिति आ गई जम्मू विश्वविद्यालय लाइब्रेरी ओपन करने से मना कर दिया गया है और जो हमारे वाइस चांसलर है उनका एटीट्यूड भी स्टूडेंट के प्रति ठीक नहीं है। स्टूडेंट की मुख्य मांग है कि 24 घंटे लाइब्रेरी खोली जाए और ये हमारी बेसिक नीड है, इसे हमें छीना मत और वाइस चांसलर अगर रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करके हमारा 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन करिए। कल भी स्टूडेंट्स रात को सुबह पाँच बजे तक यहाँ पर बैठे रहते लाइब्रेरी में, लेकिन आप एक नोटिस क्यों नहीं निकाल रहे स्टूडेंट्स को, बोलते हैं 12 बजे बाहर निकल जाओ लाइब्रेरी से,
हम कहते हैं कश्मीर में स्थिति अच्छी नहीं है 370 हटने के बाद, लेकिन वहां भी स्थिति मेरे को लग रहा है जम्मू से बेहतर है। वहां पे 24 घंटे लाइब्रेरी चल रही है लोकसभा के, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, किस सिक्योरिटी रीजन की बात की जाती है? जम्मू के अंदर केवल स्थिति नॉर्मल नहीं है तो फिर हमें यूनिवर्सिटी में आना भी नहीं चाहिए। फ्री वाईफाई की डिमांड की, हमारे से चार्जेस लिए जाते हैं और रिफंड होने चाहिए स्टूडेंट्स को, और हॉस्टल्स की फैसिलिटीज होनी चाहिए, टेक बेस्टी ऑफ सीट्स होनी चाहिए, स्टडी रूम्स पे एसी लगना चाहिए स्टूडेंट्स को, इतनी गर्मी में यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकारी अभी तक सुनवाई करने लिया है और पुलिस प्रशासन का बल का प्रयोग करके हमें दबाने की कोशिश है। समय पर हम यूनिवर्सिटी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज शोपियां के चित्रगाम इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तारिगामी ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कश्मीर में अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए लोगों के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि वे लोगों के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कश्मीर में लोगों की समस्याओं को समझने और लोगों की आवाज सुनने की अपील की, ताकि उनकी पार्टी लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे और आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करे। मोज वन यूसुफ मे पुलिस झाड़न मगर इन पुलिस तमि तकत मे आोशन के वन इन पता मगर अम सिंदिस पेत्रस पता ये इंदिस घरस म सत्त ब्रोंट रोपोश होसोस टाइम पे। प्राइम टाइम के आज के संक में बस इतना ही। इसके साथ हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।